कोरोना संक्रमण के इस दौर में इंसान को दुआ और दवा के साथ साथ सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है और ऐसे में उत्तर बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन के दूसरे प्लांट से भी उत्पादन शुरू हो गया है, इससे उत्तर बिहार के सभी शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। अब मुजफ्फरपुर में हर दिन करीब 2000 सिलेंडर भरने की क्षमता हो गई है। उसकी प्रोडक्शन क्षमता लिमिट थी, डिमांड पूरे नॉर्थ बिहार के कई जिलों से हो रहा था। अब यह कल रात से चालू हो गया है, यह अभी कल रात में 500 प्रोडक्शन इसी कैपेसिटी अभी जनरेटर से कर रहा है। तीन फेज लाइन हो जाएगा तो 800 से 900 पर डे ये निकालेगा रिफिलिंग करके, तो ये जो अपने शहर उत्तर बिहार के शहर में काफ़ी राहत हो जाएगी। नया प्लांट लगाए हैं, ये प्लांट पहले से है, ये इंडस्ट्रियल यूनिट थी लेकिन इसको मेडिकल लाइसेंस नहीं था, अब मेडिकल लाइसेंस प्राप्त हो गया है, मेडिकल लाइसेंस इसको मिल चुका है और ये अपना प्लांट रात में जैसे ही लॉरी आया टैंक भरा उसके बाद से ये रिफिलिंग का काम शुरू हो गया। उससे लगभग 50% से 70% ज़्यादा हमारे यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है। आपको मालूम होगा कि बेला स्थित प्लांट और अब जो बहुत ही अल्प समय में पाटलिपुत्रा गैस एजेंसी जो है इसमें मेडिकल के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हुआ है जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में, और जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों के पूरी तत्परता दिखाते हुए उन्होंने दो दिन में उत्पादन सही कराया है, चालू कराया है। तो हम समझते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है कोविड अस्पतालों को देखते हुए, वो सरकारी हो या निजी, कहीं पर भी ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है और ऑक्सीजन का निर्बाध सप्लाई हमारे विभिन्न प्लांट से जारी है।